हमें बहुत कुछ कार्यक्रम वो कमिटी की ओर से हमें सूचित किया, काम भी शुरू किया। उसमें एक काम बड़ा था जो प्राइम मिनिस्टर भी मुझे कहा ये काम को आगे बढ़ाना होगा, वो स्वामी जी को जो भावना था वो भावना शिक्षा के लिए जो भावना था वो भावना को आगे बढ़ाने होगा। इसीलिए रामकृष्ण मिशन के साथ विचार विमर्श करके कोई योजना बन चुका है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा स्वामी विवेकानंद का भावना, उनकी आइडियल्स दुनिया में बहुत कदर हो रहा है। 1893 में जब उन्होंने शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाषण दिया, वो शिकागो शहर में हमें गया कमिटी का ओर से, जिस जगह में उनका भाषण हुआ, रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट का अधिवेशन हुआ, उसी उधर एक स्मारक स्वामी विवेकानंद को हमें प्रतिष्ठित किया। साथ साथ शिकागो यूनिवर्सिटी बहुत ही इंटरनेशनल फेमस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी इच्छा प्रकट किया जो स्वामी विवेकानंद के आइडियल्स को बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए आने वाला पीढ़ियों को स्वामी विवेकानंद कौन था, क्या कहा, क्या उनका लक्ष्य था, क्या उनका फिलोसफी था, ये जानना जरूरी है। इसीलिए शिकागो यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद के एक चेयर हमें स्थापित किया। हर साल स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स, स्पीचेस पर रिसर्च होगा, काम होगा, लोगों को फायदा मिलेगा। तो इस शुभ अवसर पर मुझे नारायणपुर आने का मौका मिला, अबूझमाड़ इलाका के आने के लिए मौका मिला, इसलिए मैं रामकृष्ण मिशन को, छत्तीसगढ़ शासन को, खासकर के मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूँ। मैं साथ साथ खास करके मेरे पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, मैं जब उनके साथ इंटरेक्शन किया, एक लड़का बताया उनका एम्बिशन है आईएएस बनना, एक लड़की बताया उनकी एम्बिशन है उन्होंने डॉक्टर बने की, बहुत अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है ये एम्बिशन उनका पूरा होगी। साथ साथ मैंने उनको एक एडवाइस दिया जो अंग्रेजी में कहावत है, इट इज गुड टू बी इम्पोर्टेंट बट इट इज बेटर टू बी गुड। इम्पोर्टेंट पर्सन VIP होना पसंद करता है लोगों ने, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद करना चाहिए भाला हो, लोगों को भलाई करना। हमारा देश में गांव में डॉक्टर नहीं मिलता है, हमारी सरकार हॉस्पिटल भी बनाता है, बिल्डिंग भी है, लेकिन डॉक्टर्स गांव में आना नहीं चाहता है, कैसे चलेगा। भारत के 70% लोग गांव में रहने वाला है, 6 लाख से ज्यादा गांव है, ये गांव में डॉक्टर नहीं आएंगे। गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर का पोस्टिंग होने के बाद डॉक्टर किसी ना किसी बहाना में आने के लिए
नहीं आने के लिए कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये सिर्फ डिसिप्लिन से, आइन से, डायरेक्शन देने से ये काम नहीं होगा। जब तक अंदर से ये भावना पैदा नहीं होगा, जो समाज मुझे इन्वेस्ट किया, मेरे पर इन्वेस्ट किया, मैं जब एमए पास किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, मेरे पेरेंट्स में कितना खर्चा किया उसी जमाने में, बहुत साल पहले, बहुत सस्ता भी था, मेरे ट्यूशन फी था हर महीना में 12 रुपया, एमए एग्जामिन का ट्यूशन फी था 80 रुपया, 2 साल का कोर्स था। तो मैंने कैलकुलेट किया कि हमारे पेरेंट्स को मेरे लिए इन्वेस्ट करना पड़ा 2 साल में 288 रुपीज, और ट्यूशन एग्जामिनेशन फी 80 रुपीज, 368 रुपीज। 2 साल में 368 रुपीज इन्वेस्ट करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर होना कैसे पॉसिबल हो सकता? जो टीचर्स, जो लेक्चरर प्रोफेसर के पास मुझे सीखने का मौका मिला, जो लाइब्रेरी को यूज करने का मौका मिला, जो क्लासरूम बना, जो एजुकेशनल इक्विपमेंट्स अवेलेबल था, वो सिर्फ ये रुपया से हो नहीं सकता। इसीलिए सोसाइटी को इन्वेस्ट करना पड़ा, सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ा। मुझे लॉयर्स बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, आईआईटी इंजीनियर बनाने के लिए हमारे सरकार को, गरीब लोगों को पास टैक्स लेकर सरकारी फंड से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आईआईटी इंजीनियर, आईआईएम ग्रेजुएट, बड़ा मैनेजर बनके, बड़ा इंजीनियर बनके, बड़ा महीना के लिए, ग्रेटर फैसिलिटीज के लिए बाहर में जाएंगे, देश में नहीं आएंगे, गांव में काम नहीं करने के लिए तैयार होंगे, तो देश तो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए स्वामी जी ने कहा, हम सभी चाहता है अंग्रेज शासन का अवसान हो, मुझे स्वराज मिले। स्वराज हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है, लेकिन कैसे मिलेगा? जब तक हम आत्मनिर्भरशील नहीं होगा। स्वामी जी ने कहा, कहां आप भगवान को, ईश्वर को ढूंढता हो? बहु रूपे सम्मुखे तुम्हार छाड़ी कथा खुजीछो ईश्वर, जीवे प्रेम करे जेई जन, सेई जन सेविछे ईश्वर। गॉड डज नॉट लिव इन टेम्पल, गॉड डज नॉट लिव इन स्क्रिप्चर्स, इन द प्रीचिंग्स ऑफ द प्रीस्ट्स। भगवान का वास लोगों को में, लोगों का अंदर में, मानुष के अंदर में। ये भावना से रामकृष्ण मिशन का पैदा हुआ। रामकृष्ण मिशन के स्थापना के बाद बहु बैकवर्ड एरिया में मुझे मौका मिला कभी मिशन को जाने के लिए। मैंने देखा कैसे, कितना डेडिकेशन से उन्होंने काम कर रहा है। इसलिए इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मेरे प्रोग्राम था रायपुर ने जो नया शहर, मोस्ट मॉडर्न, अपडेटेड, टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड,
ए ग्रीन सिटी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिटी मुख्यमंत्री ने बनाया छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए मैंने आया था। लेकिन मुझे जब आमंत्रण मिला राज्यपाल से, रामकृष्ण मिशन से, मुख्यमंत्री से, जब नारायणपुर आइए, मैं वो आमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा ये मेरे लिए भी एक शिक्षा स्थल होगा। इधर आकर देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होता हो, इसलिए मैं सबसे आभार प्रकट करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। चाहे